Hi friends, let's do one more practice problem on atomic structure. The question is, supposing the energy of fourth shell of hydrogen atom is minus 50 AU, AU arbitrary unit, find the ionization energy in AU. तो इस question में सबसे important बात यह है कि हमें unit ही नहीं पता है, unit कुछ arbitrary है, हमें नहीं पता कि ये joules है, हमें नहीं पता ये kilo joules है, calories है या electron volt है, क्या है? पर उसने सिंपल सी चीज मुझे ये बताई कि अगर एक आर्बिट्रेरी यूनिट में हाइड्रोजन के फोर्थ शेल की एनर्जी इतनी है तो उसी आर्बिट्रेरी यूनिट के हिसाब से आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी। अब ये क्वेश्चन लॉजिक से अगर हम करेंगे तो बिना पेन के भी हो सकता है। तो लॉजिक सिंपल सा ये है कि चाहे मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स लूं चाहे मैं जूल्स लूं द रेशियो विल बी सेम। इट इज लाइक अगर मैं हाइड्रोजन के कुछ लेवल्स बनाता हूं, this is n is equal to 1, this is n is equal to 2, let's suppose this is n is equal to infinity, तो 1 से 2 की जो energy है, that is 10.2 EV, और 1 से infinity की जो energy है, that is 13.6 EV, तो इन दोनों का ratio 10.2 by 13.6 is always going to be 3 by 4, अब अगर आप इसको भी joules में change कर दो, और इसको भी जूल्स में कन्वर्ट कर दो और फिर दोनों को डिवाइड करो तो रेशियो तो फिर भी वही आएगा। तो अगर मैं इन दोनों के रेशियो को फिक्स मान लूं तो ये बिल्कुल सही बात है, यूनिट कोई भी हो। अगर आप ईवी को एयू में कन्वर्ट करते हो आर्बिट्रेरी यूनिट में तो ऊपर भी एक कन्वर्जन होगा नीचे भी एक कन्वर्जन होगा तो दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो रेशियो तो फिर से वही आएगा। ठीक है, तो यही लॉजिक लगा के हम एक और चीज देखते हैं। एनर्जी वैसे थी माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, इसका यूनिट था ईवी में, पर अगर इस ईवी को आप एयू में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसकी वैल्यू विल चेंज, बट जेड की वैल्यू तो वही है क्योंकि एटम जो भी है, अब हाइड्रोजन एटम की उन्होंने बात की तो जेड की वैल्यू तो वन हो गई। अब एन की वैल्यू अगर फोर्थ शेल के लिए देखेंगे तो यहां नीचे आ जाएगा फोर स्क्वायर, और अगर आप आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ग्राउंड स्टेट से लेके इन्फिनिटी तक जाना, आप इन्फिनिटी तो जीरो ही होता है, आप कोई भी यूनिट लो, आप जीरो को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो वो तो जीरो ही रहेगा, तो इन्फिनिटी पे जीरो है। ग्राउंड स्टेट पे जो एनर्जी होती है दैट इज बेसिकली माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय वन स्क्वायर, तो इफेक्टिवली यही अपनी आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू मुझे गिवन है माइनस 50। तो एक सिंपल सी बात यह है कि ये 4 को अगर मैं उठा के उधर ले जाऊं, इट्स सिंपली लाइक इसको अगर मैं माइनस 50 के बराबर रखता हूं और इस 4 स्क्वायर को उठा के उधर ले जाता हूं तो ये जो चीज बची माइनस 13.6 जेड स्क्वायर ये तो चाहिए हमें, तो माइनस 50 इंटू 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16, सो 50 इंटू 16 गिव्स यू 800। तो उसने क्वेश्चन पूछा है आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इंफिनिटी। तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी अगर माइनस 800 AU है, जो कि यहां पे माइनस आएगा, तो माइनस 800 AU अगर है तो इसको आप कितनी एनर्जी दोगे कि प्लस में चला जाए, तो दैट विल बी प्लस 800। ठीक है, तो जितनी एनर्जी नेगेटिव में है अगर उतनी ही एनर्जी मैं पॉजिटिव में दे दूं तो ओवरऑल जीरो हो जाएगी, और जीरो का मतलब है वो इन्फिनिटी पे चला गया, और इन्फिनिटी का मतलब है कि जो भी एटम है वो आयोनाइज हो गया। तो क्वेश्चन एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं, आर्बिट्रेरी यूनिट हमें नहीं पता कि कौन सा है, बट हमें ये पता है कि यूनिट कोई भी हो द रेशियोज विल बी सेम। तो जो फोर्थ ऑर्बिट का एनर्जी है दैट विल बी माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर, और जो फर्स्ट का एनर्जी है वो है माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हमें 50 दी हुई है तो 4 स्क्वायर को उधर ले गए तो 50 इंटू 4 स्क्वायर 50 इंटू 16 दैट इज 800, तो आंसर इज 800। थैंक यू।